तो अभी मेरे पास दो इमेज हैं, ये एक L2 और एक L3 है। इसको हमें लेके जाना है यहाँ पे ताकि हम GNS3 में इसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए आपको जो वायरल सिस्को वायरल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, फिर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू कॉपीराइट ये मैं शेयर नहीं कर सकता जो इमेज फाइल है। तो अभी क्या करना है मुझे, अब थोड़ा सा ये सोचो आप, भले ही ये हमें दिखेगा यहाँ पे, राइट, इमेज हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ये कहाँ पे रन कर रहे हैं हम? हमने जो सेलेक्ट किया था जो सर्वर, जो यहाँ पे आप प्रेफरेंस में देखोगे जो GNS3 सर्वर, सॉरी, तो ये वर्चुअल बॉक्स पे, तो हमें ये जो इमेज है लेके जाना है कहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स पे। तो उसके लिए आपके सिस्टम में WinSCP होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मुझे इसको आपको डाउनलोड कनेक्ट करना है, किसको, इस VM को, ये VM। तो इसके डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसका IP क्या है, 192.168.56.10.105। इसका यूज़र नेम क्या है, GNS3, यहाँ पे GNS3@ जो है, तो ये आपका यूज़र नेम होता है, और ये पासवर्ड है GNS3। तो इसको मैं लॉग इन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डालना है न्यू कनेक्शन, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं FTP, यस FTP यूज़ कर सकते हैं। एडिट टूल्स, न्यू साइट पे मैंने क्लिक किया, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखते हैं अगर उससे कनेक्ट हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे HTTP है, HTTPS, यहाँ पे HTTP है, ये तो बेटर है कि हम FTP ही यूज़ करें क्योंकि सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने FTP सेलेक्ट कर लिया, 192.168.56.105, यूजर नेम इज GNS3, पासवर्ड इज ऑल्सो GNS3। मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया, ओके, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज इट, ओके। तो ये रिफ्यूज कर दिया यूजिंग SSH, ओके, ये लॉन्च वेब के लिए है वो, और ये SSH ही है, ओके, SSH डिटेल ही है, मे बी माई बैड। तो हम इसको SFTP से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो जो HTTP दिख रहा है वो ब्राउज़र के लिए दिया है, तो वहाँ पे हमें HTTP यूज़ करना है इफ़ यू आर एक्सेसिंग फ्रॉम ब्राउज़र। तो यहाँ पे मैंने गया, इसको SFTP सेलेक्ट कर लिया क्योंकि SSH है, SSH डेफिनेटली सिक्योर शेल है, और तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉपअप आएगा, अननोन सर्वो, इसको आपको यस करना है, ठीक है, फाइनली। तो ये जो मेरा मशीन का डिटेल है, और ये किसका है, VM का। तो अभी मैंने ये किसको एक्सेस लिया है, इस VM को। अब इस VM में मुझे अपने इमेज को मूव करने, मेरा इमेज कहाँ है, इमेज मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर में है, डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस में। मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, इस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन डायरेक्टरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैं डायरेक्ट इस पाथ में आ गया। अब पेस्ट कहाँ पे करना है, तो इसका रूट में जाना है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस पे डबल क्लिक करना है। तो ये आप डबल क्लिक में आप करो चले जाओगे, तो ये आपका फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, दैट मीन्स कि रूट में हो आप। रूट के अंदर आपको OPT में जाना है, OPT के अंदर GNS3, GNS3 के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो दैट इज IOU। तो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू करा, और डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, ये लिनक्स बेस्ड है मशीन है, तो यहाँ पे मैंने उसका नेम दिया IOU, और परमिशन, अच्छा ठीक है, परमिशन का अभी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक दो एरर भी दिखे आपको इन केस अगर मिस हो जाता है तो, ताकि उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने ये किया और मुझे ये तीनों फाइल लेके जाने हैं, तो इसको मैंने सिंपली अपलोड करा और इसको ओके कर दिया, तो ये यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं इसको पट्टी के थ्रू भी एक्सेस ले लेता हूँ एक बार,
पट्टी है क्या? ओके नहीं है मेरे में, कमांड प्रॉम्प्ट कोशिश करते हैं एक बार। SSH GNS3 @192.168.56.105 एंड देन दिस वन, इसको मैंने यस करा एंड GNS3। ओके परमिशन डिनाइड GNS3। ओके परमिशन डिनाइड, यहाँ से एक्सेस करने नहीं दे रहा मुझे, इवन कि SSH मैंने सही तो डाला है डिटेल। ओके सॉरी, मैंने डिटेल गलत डाला, यहाँ पे मैंने GNS3 की जगह GNS यूज़ कर लिया, तो इसीलिए उसको परमिशन नहीं है, मे बी वो यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने GNS3 डाला। ठीक है, लास्ट लॉगिन यानी कि ये मैं उसके CLI जो है उसमें मैं आ गया हूँ। ठीक है, ये मैंने कमांड ओके करा इसको, और यहाँ पे मैं शेल में जा सकता हूँ, या तो मैंने इसके थ्रू भी जा सकता हूँ या फिर डायरेक्ट इस VM के थ्रू भी मैं ओके करूँगा, तो यहाँ से भी मैं शेल के अंदर जा सकता हूँ, तो जो भी आपका प्रेफर्ड है, जस्ट मैंने एक अदर तरीके का बताया कि कैसे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शेल में गया, इसको ओपन करा, इसको एंटर किया मैंने, और फिर यहाँ पे तो आप देखो, आप LS यानी कि ये कौन सा, अभी मैं अगर अपना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, होम के अंदर GNS3, और हमने फाइल कहाँ पे पेस्ट किया है, तो GNS3 इमेजेस के अंदर। तो कुछ बेसिक से सिंपल कमांड्स हैं, वो मैं सबसे पहले रूट में चला गया, CD चेंज डायरेक्टरी, तो यहाँ पे एक फोल्डर दिखना चाहिए कौन सा, OPT, यहाँ पे तो LS, तो OPT भी एक फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जाना है तो OPT के बाद कौन सा जाना है, इमेजेस, एक भी जा सकते हैं लेकिन जस्ट मैं सॉरी, GNS3 के बाद, GNS3 के बाद OPT में नहीं, OPT, OPT के बाद GNS3, CD GNS3 एंड देन CD इमेजेस। ओके इमेजेस के अंदर आ गए, और यहाँ पे IOU, अभी देख लेता हूँ कौन सा फोल्डर दिख रहा है, एक जो हमने बनाया, कौन सा, IOU, CD IOU। अब यहाँ पे आपको तीन फाइल दिख रहे हैं जो मैंने अभी के अभी क्या किया, अपलोड करा अपने सिस्टम से, इस VM में मैं वो लेके आ गया। ठीक है, तो ये अपना काम यहाँ पे हो गया, यानी कि फाइल लेके हम आ गए। अभी एक काम करते, अब इसमें GNS3 में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब न्यू टेम्पलेट हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से करना है, GNS3 रिकमेंडेड, वो कहाँ पे रन करने हैं, हमें उसी पे रन करने हैं, इम्पोर्ट एड अप्लायंस फाइल सर्वर रिकमेंडेड, नेक्स्ट मैंने करा, और उसके बाद ओके यहाँ पे क्या है, L2 VI, ये जो दिख रहा है VIOS V वर्जन L2, ये केमू वाला है एमुलेटर, एंड देन IOU L2। ठीक है, तो ये L2 हमें एज अ स्विच, तो इसको इंस्टॉल करने हैं, तो ये मैं नेक्स्ट करा, फिर इंस्टॉल द अप्लायंस ऑन द GNS3 VM रिकमेंडेड, यहाँ पे वैसे भी ऑप्शंस डिसेबल्स है क्योंकि ये VM पे ही चल सकता है, फिर मैंने नेक्स्ट करा, नो इंस्टॉलेशन फंक्शंस अवेलेबल, ओके नेक्स्ट करा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कौन सा फाइल है मेरे पास, ये यहाँ पे इसको मिल गया, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फाउंड कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने उस फोल्डर के अंदर बनाया, वहाँ पे मूव कर दिया, तो इसलिए इसको ये फाइल वो फाइल मिल गया। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल सिस्को IOU L2 वर्जन, मैंने कहा यस। ठीक है, द टेम्पलेट विल बी अवेलेबल इन द मल्टी लेयर स्विच कैटेगरी, फिनिश, हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, नेम हैज़ बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अभी देखोगे आप Cisco IOU L2 ये इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा अभी एक राउटर है, इसके अंदर भी नहीं है, अभी उसको भी इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे गया मैं, न्यू टेम्पलेट पे करा, और इंस्टॉल एन अप्लायंस ऑन फ्रॉम द GNS3 सर्वर रिकमेंडेड, क्योंकि उस पे तो है ही, हमने इमेज मूव कर दिया है, वो क्या अपना राउटर है IOU L3, ये इमेज है अपने पास, राइट, इसको मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट,
अगेन इसको जो फाइल अपने हमने मूव करा है ये सेम वर्जन इसको मिल गया रेडी टू इंस्टॉल। फिर मैंने इसको नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा एंड फिनिश। अप्लायंस हैज बिन इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अप्लायंस आ गया है। ओके मैंने करा, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो अपने को जैसे एक L2 और एक L3 डिवाइस आ गया है। अभी मैं एक सिंपल सा टोपोलॉजी क्रिएट करके दिखाता हूँ, अभी भी कुछ एरर्स दिखेगा होपफुली। तो मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, एक नया फोल्डर प्रोजेक्ट बना लेते हैं टेस्ट, ठीक है। मैंने कर दिया कंट्रोल एन से। अब इसके अंदर हम एक स्विच लेके आते हैं, एक स्विच आ गया। और उसके बाद एक और स्विच लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो नेम दिख रहा है ना IOU IOU2, इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे रीनेम कर दो जैसे स्विच टू, लेकिन आप चाहते हो कि जब इंपोर्ट करो तभी वो उसी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक करा, इसको कॉन्फ़िगर टेम्पलेट पे गया, और यहाँ पे जब आप देखोगे टेम्पलेट नेम ये दिख रहा है, यहाँ ये वो नेम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो भी अगर आप स्विच लिखो स्विच चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट नेम फॉर्मेट। अब जब भी आप इसको इम्पोर्ट करो तो क्या चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ स्विच दिखे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच मैंने कर दिया, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप एज इट इज़ रहने दो। फिर मैंने ओके करा। अब देखो अगर इंपोर्ट करूँगा तो स्विच 1, नेक्स्ट करूँगा तो स्विच 2, इस तरीके से ये आएगा यहाँ पे। देन मैं एक राउटर, राउटर को भी मैं थोड़ा इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये IOU है, यहाँ पे मैं R कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कितने चाहते हो, जैसे सीरियल अडाप्टर ये जब भी इंपोर्ट करोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 2 ईथरनेट अडाप्टर रहेगा और 2 सीरियल अडाप्टर। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर 4 अडाप्टर है तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 2 2 है। मैंने ओके करा। अब यहाँ पे मैं करूँगा तो R1 आ जाएगा पहले, ठीक है। तो R1 आ गया। अभी यहाँ पे 2 स्विचेस भी आ गए, ठीक है। और यहाँ पे और चाहिए क्या, Router 1 Router 2, ठीक है। एक और राउटर ले लेता हूँ, वैसे 2 की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट जस्ट फॉर टेस्टिंग। R1 R2 स्विच 1 से अभी यहाँ पे कनेक्शन, तो देखना आप मैंने जैसे हम यहाँ पे क्या था राउटर ईथरनेट, ओके। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर, यहाँ पे एक बार कनेक्शन को मैं करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क पे जनरल सेटिंग, यहाँ पे ईथरनेट अडाप्टर 2 सीरियल अडाप्टर 2 दिख रहा है, बट ये इतने अडाप्टर क्यों दिख रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। जनरली जितना यहाँ पे 2+2 4 दिखता है ईथरनेट अडाप्टर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका अभी मेरे पास आंसर नहीं है, शायद बाद में मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने 00 से इसके 00 कनेक्ट करा, यहाँ के 01 से इसको 01 पे करा। अभी कौन सा किससे कनेक्टेड है तो बेटर रहेगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि इंटरफेस अपना दिख जाए क्लियरली। तो ये 00, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं वो कर देता हूँ, स्टॉप सॉरी डिलीट कर देता हूँ। ये मैं टोपोलॉजी इसलिए बना रहा हूँ कि इसको पे मैं ऑटोमेशन वाला भी कुछ है तो प्रैक्टिस करने हैं मुझे, होपफुली आपको दिखाऊं शायद। तो अभी मैं क्या हो गया, हो गया अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, होपफुली। यस, तो अभी देखो अभी क्या आ रहा है, आप एरर IOU इमेज, कौन सा, यही इमेज जो हमने मूव करा था इसके अंदर, लिनक्स एडवर्टीजमेंट सॉरी लिनक्स एड क्या है एडवेन, ओके ADV एंटरप्राइज K9 इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। तो ये एरर देख के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये नॉट एग्जीक्यूटेबल। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल यानी कि लिनक्स में ये कॉमन है कि एग्जीक्यूटेबल यानी कि एग्जीक्यूशन का जो है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
यानी मैं यहाँ पे था, तो यानी कि ईस्ट में गया और इसको मैंने एल से एल किया, तो वो कौन सा इमेज है मेरा, ये IL2 एंटरप्राइज, एक ये तो MD5 है जो जनरेट हुआ होगा, और ये इमेज कौन सा है, एक बार दोबारा से ऑन करता हूँ, MS 155-2, ठीक है, 155-2, ये वाला इमेज, ये तो MD5 है, तो ये है। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या है कि एक तो रीड और राइट, यानी कि इसके पास एक्स का परमिशन नहीं है, एक्स यानी कि एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड, सीएच मोड, ठीक है, और इसको मुझे परमिशन देना है कौन सा, प्लस एक्स यानी कि एग्जीक्यूशन का परमिशन दे दो, ठीक है, और I86 और B-Linux और ये कौन सा, यही फाइल है, ठीक है। मैंने एंटर किया और कुछ एरर नहीं, दैट मीन्स सक्सेसफुल। अभी मैं सेम ऊपर वाला अगर कमांड रन करूं तो देखो, एक तो कलर भी चेंज हो गया इसका, और यहाँ पे देखोगे आपको एक्स आ गया, यानी कि एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया। पहले ये सेम लाइन में आप देखोगे यहाँ पे एक्स नहीं था, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन का परमिशन नहीं था, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट अगर मैं करूँगा तो स्टार्ट हो जाए, ओके। अभी एक दूसरा एरर है कि कुड नॉट फाउंड एन IO URC फाइल, तो ये मैं पहले कर सकता था, राइट, लेकिन मैं चाहता था कि अभी आप ये सब एरर देखो। तो इसमें क्या है कि इसको एक लाइसेंस फाइल की भी ज़रूरत होती है, तो वो इसको नहीं मिला। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपको इमेज अगर आप है आपके पास तो उसमें वो फाइल रहता है, इन केस नहीं है तो आपको वो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए क्या है कि आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फाइल है ये, सिस्को IOU की जेन, ये 3F वाला। तो इसके थ्रू एक क्या होगा कि वो जेनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें जाना है अगेन, या तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जा सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, फिर यहाँ के शेल के अंदर आप आ जाओगे। तो जो भी आप करना चाहो, आफ्टर ऑल हम कर सेम ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि पाइथन और उसके बाद ये जो फाइल नेम है क्या है, सिस्को, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पाइथन भी इंस्टॉल रहेगा। अभी मैंने इसको वो कर दिया, ओके, बस पाइथन कमांड नॉट फाउंड, ओके। तो पाइथन अगर लिखते हैं तो पाइथन वर्जन 2 कंसिडर करता है, बट जितने भी लेटेस्ट वो आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें पाइथन 3 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन 3 वो करा, फिर इसको जनरेट किया। तो यहाँ पे आपका एक ये फाइल जनरेट हो गया है, और इसके अंदर जो लाइसेंस दिख रहा है ना, तो ये आपका लाइसेंस है। तो इसको राइट क्लिक बस मैंने किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ मैं, विंडोज़ का ये मेरा मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट है, मैंने बस राइट क्लिक करा, यानी कि वो डेटा कॉपी हो गया है। तो फिर मुझे इधर जाना है प्रेफरेंस में, और उसके बाद हम इमेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, IOU इमेज कर रहे हैं, IOS ऑन यूनिक्स, यहाँ पे लाइसेंस क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो पेस्ट कर देना है, ओके करना है। अप्लाई का था, एक बार देख लेते हैं, इस एरर तो नहीं आना चाहिए, बट लेट्स सी, IOU यानी यूनिक्स यहाँ पे करना है मैंने, ओके दिख रहा है, तो अप्लाई की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार ऑन करता हूँ, और होपफुली अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट हो गया, कैसे पता चला, तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको मैंने किया, ये भी ऑन हो गया, राउटर 2, स्विच को ऑन करता हूँ, ये भी ऑन, ओके, लाइनक्स इज ओके, इस ये नहीं हो रहा क्यों, क्योंकि अगेन एग्जीक्यूशन का इशूज है, ओके, इसको मैंने नहीं दिया था शायद, ओके, हाँ उसको देना भूल गया था। तो CHMOD X I86, ओके, I86 BI-II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 I
उसके बाद क्या है, ये है लिनक्स, टी वाला नहीं है, ये लिनक्स 15.d। ओके ये हो गया। अब तो यहाँ पे ग्रीन दिखना चाहिए।
यानी कि ये भी हो गया, ये तो पहले वाला था, ये डॉट टू डॉट पी, तो ये अब ऑन हो जाना चाहिए। लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों सारे किस पे चल रहे हैं, IOU पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइसेंस सेम यूज़ कर लेगा। तो ये अपने तीनों डिवाइस ऑन हो गए। अब सिंपली इसको मैंने डबल क्लिक करा तो सोलार पट्टी के थ्रू ये अपना एक्सेस हो जाएगा। तो ये सोलार पट्टी जो सोलार विंड्स का है प्रोडक्ट है, तो इसके थ्रू अब आ गया, अब आपका ये राउटर आ गया है। तो अब आपको जो कमांड रन करना है वो कमांड रन करो सिंपली। तो आगे नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा टोपोलॉजी बनाऊंगा, फिर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक ये भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर का जो मशीन है आप उसको अपने सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने बनाया, आप चाहते हो कि आपको इस मशीन को आप अपने कंप्यूटर से विंडोज़ से कैसे एक्सेस कर सकते हो, फिर ये मशीन जो है इंटरनेट को कैसे एक्सेस करे। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जो कि होपफुली ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ।